नमस्कार दोस्तों, भारत में कई जगह ऐसी हैं जो बेहद खतरनाक है। वहाँ जाने का मतलब मौत को निमंत्रण देना, क्योंकि यहाँ पल पल मौत मंडराते रहती है। इन्हें भारत की सबसे डरावनी जगह भी कह सकते हैं। टेम्परेचर कहीं बहुत ही ज़्यादा है तो कहीं बहुत ही कम, कहीं भूत दिखते हैं तो कहीं से गुजरना भी बहुत ही मुश्किल है। ऐसी 10 जगहों के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस तरह के कंटेंट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। किश्तवाड़ कैलाश रोड। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ कैलाश रोड पर चलना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ एक तरफ गहरी खाई है, दूसरी तरफ हमेशा चट्टानों से टकराने का खतरा बना रहता है। रोड कहीं जगह पर इतनी सक्रिय है कि एक बार में सिर्फ एक ही गाड़ी निकल सकती है। यहाँ ड्राइविंग के लिए जाना मौत के मुंह में जाने से कम नहीं है। आप खुद ही देखें लोग कितने सक्रिय रास्ते से गाड़ी चला रहे हैं। वैसे यह इलाका माउंटेनर्स के लिए 1990 के दशक में बंद कर दिया गया था। ड्रास, दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगह। ड्रास को भारत की सबसे खतरनाक जगह माना जाता है। इसका कारण यहाँ का टेम्परेचर है। -60 डिग्री टेम्परेचर जा चुका है। यह भारत की सबसे ठंडी जगह है। ड्रास भारत में जम्मू कश्मीर राज्य के कारगिल जिले का एक नगर है। कारगिल वार के समय यहीं से युद्ध लड़ा गया था। अब इसे गेटवे ऑफ लद्दाख भी कहा जाता है। कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर ट्रैक पर चढ़ने के लिए 18,000 फीट ऊपर चढ़ना पड़ता है। यह रास्ता बेहद खतरनाक माना जाता है। ऊंचे पहाड़ और यहाँ का ठंडा टेम्परेचर यहाँ के मार्ग को मुश्किल बनाता है। यहाँ जाने पर सिकनेस, नोइसा और धुंधला विजन जैसी समस्या आती है। कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका है। ऐसी मान्यता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव रहते हैं, यानी भोलेनाथ। कैलाश पर्वत पर और भी बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं, जिनका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। खरदुंगला। ट्रैकिंग के दीवानों और एडवेंचर पसंद करने वाले लोगों की लिस्ट में यह नाम सबसे ऊपर रहता है। यह दुनिया का सबसे मोटरेबल रोड है, जो लद्दाख में स्थित है। यह बहुत ही ठंडी जगह है और यहाँ ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, जो इसे डेंजर प्लेस बनाता है। खरदुंगला भारत के लद्दाख क्षेत्र में है। रूपकुंड लेक। उत्तराखंड के पहाड़ों में 5,029 मीटर की ऊंचाई पर रूपकुंड झील एक और जहां अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, तो वहीं दूसरी तरफ इस जगह से मिले नर कंकालों का रहस्य अभी तक कोई सुलझा नहीं पाया है। रूपकुंड की खोज सन 1942 में एक ब्रिटिश रेंजर के द्वारा खोजी गई थी। इस जगह में पाए गए कई नर कंकालों का रहस्य आज तक बरकरार है। आखिर क्या हुआ था यहाँ जो इतने सारे लोग मारे गए, आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। थार डेजर्ट। दूर दूर तक दिखाई देने वाली यह रेत जिसे खूबसूरत बनाती है, लेकिन यह रेगिस्तान बहुत ही खतरनाक माना जाता है। यहाँ गर्मी बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर आपके पास पर्याप्त खाना और पानी है तो आप यहाँ कुछ देर रह सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हुआ तो प्यास के साथ ही यहाँ रेत में छुपे ब्लैक कोबरा और सेंट बुआ जैसे आपकी जान ले सकते हैं। थार मरुस्थल भारत के उत्तर पश्चिम में और पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में उपस्थित। यह अधिकांश तो राजस्थान में स्थित है, परंतु कुछ भाग हरियाणा, पंजाब, गुजरात और पाकिस्तान के सिंध पंजाब में प्रांतों में फैला है। बास्तर। यह छत्तीसगढ़ का छोटा सा जिला है। यहाँ के कुल आबादी का 70% भाग जनजातीय है। यह प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। यहाँ अच्छे जंगलों के साथ नदियाँ भी हैं। नदियों में इंद्रवती नदी प्रमुख है। यहाँ बड़े पैमाने पर नक्सली गतिविधियाँ हैं, इसलिए यह नक्सलवादी क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। नक्सली यहाँ पर पाए जाने के कारण यह खतरनाक जगह माना जाता है और लोग यहाँ जाने से भी डरते हैं। भानगढ़ फोर्ट। यह भारत की मोस्ट वांटेड जगह है। भूत का गढ़ माने जाने वाला राजस्थान का भानगढ़ किला अक्सर चर्चाओं में बना रहता है। यहाँ कई पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग अक्सर रिसर्च करने आते रहते हैं। किसी ने यहाँ पर भूत होने का दावा किया, किसी ने महज अफवाह करार दिया। बता दें कि भारतीय पुरातत्व विभाग ने सूर्यास्त होने के बाद यहाँ पर जाने के लिए मना कर रखा है।
इस महल की भूतिया होने के पीछे राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिद्धू सेवला की एक तरफा प्रेम कहानी है। यहाँ के लोगों का कहना है जो भी यहाँ पर रात में गया वह फिर वापस नहीं लौटा है। पम्बन ब्रिज यह भारत की सबसे खतरनाक सी ब्रिज है। तमिलनाडु के रामेश्वरम को सेंट्रल इंडिया से जोड़ता है। 2018 में इस ब्रिज ने 104 साल पूरे किए। इसके नीचे से शिप गुजरते हैं और ऊपर से ट्रेन। यहाँ पर चलने वाली तेज हवाओं के कारण इस सफर को बेहद खतरनाक माना जाता है। हम सभी ट्रेन में अक्सर खिड़की वाली सीट पर बैठना पसंद करते हैं ताकि बाहर के नज़ारे का आनंद उठा सकें, मगर जब इस रेलवे पुल से ट्रेन गुजरती है तो लोग डर से कांप उठते हैं। कोई अनहोनी ना हो जाए इसलिए लोग आंख मूंद कर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि यहाँ पर दुर्घटना नहीं भीषण दुर्घटना होने का अंत बना रहता है। इसलिए इसे शायद भारत का सबसे खतरनाक पुल भी कहा जाता है। डूमस बीच, इस बीच पर हिंदुओं के शवों का दाह संस्कार किया जाता है। यहाँ पर कई बार रात में साधारण और हॉरर गतिविधियां महसूस की गई है। यहाँ पर आने वाले लोगों को अजीब अजीब आवाज सुनाई देती है जबकि आसपास कोई नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में हर और मरे लोगों की उपस्थिति रहती है। यहाँ तक ज्यादातर पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की बात सुनने के बाद अच्छे अच्छे लोगों को पसीना छूटने लग जाते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ पर रूहों का बसेरा है। सूर्यास्त होने के बाद अगर आप यहाँ पर गए, आपको चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई तो आप डर कर सिर हिला जाएंगे। ऐसे तब होता है जब वहाँ शांति से कोई वहाँ टहलने जाता है। आप लोगों को इन जगहों में से सबसे डेंजरस जगह कौन सा लगा प्लीज़ मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।